रिसेंटली वेस्ट एशिया में तनाव का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि इसराइल और ईरान वापस से जंग की परिस्थिति में आ चुके हैं। कुछ सोर्सेस का मानना है कि अगर जंग होती है तो इसराइल के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके लिए वो कुछ फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो ईरान के पास नंबर ऑफ एक्टिव ड्यूटी पर्सनल बहुत ज्यादा है, लगभग 550,000 से ज्यादा, वेयर एज इसराइल के पास सिर्फ 170,000 है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी भी करता है, जिसका हम अंदाजा मिलिट्री बजट से लगा सकते हैं। हर साल ईरान सिर्फ $10 बिलियन का स्पेंडिंग करता है, वेरेज इसराइल $24 बिलियन का स्पेंडिंग करता है, जिसमें $3.8 बिलियन यूएसए भी ऐड करता है, जिसके कारण मॉडर्नाइज्ड वेपन्स इसराइल के पास ज्यादा होते हैं, जो हावी हो सकते हैं ईरान के ऊपर। इसके अलावा नेवी के अंदर ईरान के पास नंबर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मॉडर्नाइज्ड नेवी इसराइल के पास है क्योंकि यूएसए और यूरोपियन सप्लायर्स और मिसाइल्स का सपोर्ट है इसराइल को। लेकिन एयर पावर में इसराइल के पास नंबर बहुत ज्यादा है, 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, वेरेज ईरान के पास सिर्फ 500 जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं।